उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं खबर दिल्ली अनुसार से। इस शुक्रवार को रात दिल्ली के बलजीत नगर में उत्तराखंड के उत्तराखंडी निवासी हमारे 17 वर्षीय किशोर मनोज नेगी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने आज पटेल नगर थाने में प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ ने साजीपुर मेट्रो स्टेशन के पास जाम लगा दिया, जिसे खोलने के लिए दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए। बताते चलें कि शुक्रवार रात को देश की राजधानी दिल्ली के बलजीत नगर में मूल रूप से मोला गांव रानी खेत अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले 17 वर्षीय नाबालिग मनोज कुमार की 3 लड़कों ने चाकू से कूद कर निर्मम हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों से मिली सूचना के अनुसार उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ स्थानीय दो 3 नाबालिग लड़के छेड़खानी करते थे। करीब एक हफ्ते पहले ही उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने पर मनोज ने विरोध किया था और इस बात पर कुछ बात बिगड़ी और मनोज ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया और ये होना भी चाहिए था, परंतु इस पर आरोपियों ने दिवाली के बाद हिसाब किताब करने की बात कही थी और वारदात शुक्रवार को इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद से आरोपी फरार है। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग किशोरों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। परिवारजनों का कहना है कि आरोपी बालिक है, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर उसे नहीं पकड़ रही है। इस घटना से आक्रोशित उत्तराखंड समाज के लोग सुबह से बड़ी संख्या में पटेल नगर थाने के बाहर एकत्रित हुए, यहां पर उत्तराखंड जन मोर्चा के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, दिल्ली भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद बछौती की अगुवाई, परसों के आसपास यहां पर भारी संख्या में झूम उमड़ा। दोपहर तक विनोद नेगी की हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई और घटनास्थल पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद विनोद नगर बलजीत नगर की गलियों में हमें उत्तराखंड जन मोर्चा के महासचिव सुरेश चौबे ने बताया कि बलजीत नगर में पीड़ित परिवार के समर्थन में पटेल नगर थाने में ACP दीपचंद्रा, SHO IO कुलदीप शर्मा से मिलकर मुख्य हत्यारे को जल्द ही पकड़ने की अपील की गई और उन्हें 24 घंटे का इसमें आश्वासन दिया गया है। उत्तराखंड जन मोर्चा की तरफ से यहाँ पर नारायण सिंह गोसाई, सुरेश चौबे, भीम सिंह, वीरेंद्र गोसाई, श्रीमती लक्ष्मी चौबे शामिल रही। उत्तराखंड समाज से अनुरोध है कि हम लोग 30-35 लाख हैं तो कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे मामले में हमें आगे आना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, लेकिन हमें एकजुटता यहाँ दिखानी पड़ेगी, अन्यथा हम लोग यहाँ पर इस तरह से ही अकेले पड़ जाएंगे। मोर्चा से यहाँ आए हैं थाना पटेल नगर में, जो चंदन सिंह नेगी जी हैं उनके सुपुत्र मनोज नेगी के जो इन्होंने दर्दनाक हत्या की है उसके बारे में हम, इनकी आप क्या लगती है उनकी, मैं उसकी पड़ोसन हूँ, वो मेरे लड़के का दोस्त था, उनके दोस्त था। हाँ। वो लड़का घर में आके ट्यूशन, पहले कॉलेज गया था, वो आईटी से आके घर में आके खाना खा, शाम को 8 बजे बच्चा ट्यूशन गया था बच्चा, 5 बजे, 9 बजे, 15 मिनट के टाइम है। हम जन मोर्चा के तरफ पूरी ये मुहिम उठा रहे हैं, हम जन मोर्चा के वहाँ से आए हैं, उत्तराखंड जन मोर्चा से, मैं न्याय दिला के रहेंगे, पूरी टीम हमारी आई हुई है। हमें बहुत दुख है कि हमारे उत्तराखंड, हमारे बच्चों के लिए, हमारे उत्तराखंड की देवी, आज हम लोग उत्तराखंड आए हैं, आज हम आवाज दिए जाएंगे, हम कभी आवाज नहीं, आज एक घर का चिराग गया तो दूसरे घर का चिराग सकता। बात से हम सहमत हैं, बहुत अच्छी है, हमारा परिवार है, इसलिए
लड़ाई को लड़ेंगे। मैं परसों रात 9 बजे समझो, मैं एक लेडी देख रही घूम रही थी, कल मैंने इतना प्रदर्शन भी याद करा था, मैंने आवाज उठाई थी सबसे पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा